सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान के 5 मंत्रियों को बड़ी राहत मिली है। जयपुर लोहा मंडी भूमि अधिग्रहण मामले में बड़ी राहत मिली है। गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 2003 भूमि अधिग्रहण के मामले में जारी आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका पर जारी किया था सरकार के 5 मंत्रियों को नोटिस, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, सहित हरीश चौधरी, परसादी लाल मीणा, ममता भूपेश, अर्जुन सिंह बामरिया मंत्रियों के नाम शामिल थे। प्रकरण में राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने प्रार्थना पत्र भी पेश कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उपस्थिति से छूट देते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। देखिए बड़ी जानकारी, अब निस्तारण क्योंकि इस मामले का किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। 5 मंत्रियों को, राजस्थान के 5 मंत्री हैं जिन्हें बड़ी राहत मिली है। जयपुर लोहा मंडी भूमि अधिग्रहण मामले में बड़ी राहत मिली है। गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 2003 भूमि अधिग्रहण के मामले में जारी आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका पर जारी किया था सरकार के 5 मंत्रियों को नोटिस। इनमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का नाम था, हरीश चौधरी का नाम था, परसादी लाल मीणा का नाम था, ममता भूपेश, अर्जुन सिंह बामनिया, ये तमाम वो मंत्री जिनके नाम शामिल थे। लेकिन अब फैसला आया है, इन्हें राहत मिली है। अब क्या कुछ दलीलें रही होगी सुनवाई के दौरान, किस आधार पर यह फैसला लिया गया, वो भी आप तक जल्द पहुंचाएंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी गौरव दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। गौरव, 5 मंत्रियों को राहत मिली है, लेकिन सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें रखी गई थी जिस आधार पर फैसला हुआ, वो भी बताइएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये इशू जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जिसमें कंटेम्प्ट का एक ऑर्डर था 5 मंत्रियों के खिलाफ। उसमें क्या था कि स्टेट की तरफ से, राजस्थान सरकार जो हमारे अधिवक्ता है, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें कहा गया था कि जो मैटर है ये सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और इसमें जो एक अपीलियन की थी कि अपीलिंग जो है, मतलब जो 5 मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको आज 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना है, उसके छूट के बाबत उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी। और उस एप्लीकेशन की कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन 5 मंत्रियों को, और वहां पर जेडीओ के उपायुक्त थे उनको भी वहां पर प्रेजेंस के लिए कहा गया था, तो उनको भी अपीयरेंस से छूट दे दी गई है और इस मैटर को सॉर्ट आउट फिलहाल कर लिया गया है। जी ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।